अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अभी कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ लकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी है और हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हो चुके हैं। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये वजाहत पेश कर सकूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी हकाम से बात भी हुई है, वो कह रहे हैं, उनका कहना यह था कि 31 तारीख को, मतलब 31 जनवरी को उनके सिस्टम में एक एरर आया था जिसके बाइस कार्ड पंच नहीं हो रहे थे वर्कर के। तो क्योंकि राइट सी बात है, लकी टेक्सटाइल ट्रांसपोर्ट भी देती है, तो ट्रांसपोर्ट सारी जब जमा हो गई वहाँ पर तो आवाम का रश लग गया। तो किसी ने ये शरारत करी, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी कि लकी टेक्सटाइल बंद हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी खबरें ऊपर आप गौर ना करें और ना ही ऐसी वीडियो को शेयर किया करें। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, जिस तरीके से आपने एक फेक वीडियो को शेयर किया था, इसी तरीके से इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा, पहले पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। फिर ऊपर क्योंकि लकी टेक्सटाइल जो एक बड़ी कंपनी है, उसके बंद होने से हज़ारों वर्कर तो बेरोज़गार होंगे, लेकिन उनके साथ जो घराने मुंसलिक हैं वो लोग भी परेशान होंगे। और मैंने देखा है कि यहाँ तक कि दुबई वगैरह, सऊदी अरब से भी लोगों के पास कॉल आई है कि आपकी कंपनी बंद हो गई क्या। तो इस तरीके की वीडियो शेयर नहीं किया करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी इसी तरीके से शेयर करेंगे।